channel Kiran Tutorials. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel. The red button below. So guys, if you're a teenager or a beginner और आपको अच्छा लगता है अपना हेयर केयर और स्किन केयर करना, तो गाइस आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो. इसलिए जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आई माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स. तो गाइस आज की जो वीडियो इज ऑल अबाउट कि मैंने कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत ज्यादा इजी है, कौन सी ऐसी अपनी लाइफ में लेकर आई जिससे कि जो मेरे बाल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो होने शुरू हो गए एंड प्लस मेरे जो बाल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी एंड ब्यूटिफुल हो गए आप कह सकते हो, एंड प्लस हेल्दी भी हो गए. सो गाइस पहले मेरे बाल ऐसे हो गए थे, मैंने स्मूदिंग कराई थी 3 साल पहले एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे. मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बालों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी. पर हाँ, मैंने अपने रूटीन्स के साथ जो कि मैं अपने हेयर मास्क एंड ऑयल्स आपको बताती रहती हूँ उसके साथ अपने बालों को इतना अब सही हो गए, मेरे स्कैल्प इतना हेल्दी हो गया है, मेरे बाल हेल्दी हो गए हैं. लाइक नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई हेयर क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी मेरे बालों में. पर पहले तो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे. इवन मैंने अपने बालों की हर एक प्रॉब्लम को ठीक करा हुआ है इन 2-3 सालों में. सो गाइस अपने जो रूटीन्स होते हैं वो तो हमने हफ्ते में 2 बार ही करने होते हैं या फिर 1 बार करना होता है, पर उसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ जिससे आप अपने बालों को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है. एंड यू गाइस गोना लव योर हेयर आफ्टर दिस. एंड कुछ बहुत ही ज्यादा आसान एंड बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स है. सो गाइस आई होप कि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो कि मेरे को पता है, एंड यू गाइस गोना लव इट. सो गाइस प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा. सो गाइस ज्यादा ना वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आपके लिए ये है मेरी ही तरफ से कि यार आप अपने बालों की मसाज करा करिए जस्ट विद योर टिप्स जो कि हमारी टिप्स होती है ना अपने नेल्स के साथ. कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, अपने टिप्स को ऐसे करके एंड अपने बालों की विदाउट एनी ऑयल आपने ऐसे मसाज करनी है. ये देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने मसाज करनी है विदाउट एनी ऑयल. जब आप ऑयल लगाते हो तब तो आपने करनी होती है, बट आपने हर रोज अपने बालों की ऐसे मसाज करनी है, ठीक है. आप देख सकते हैं, ठीक है, पीछे तक करनी है. मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है. आपने यहाँ पे 2 फिंगर्स रखनी है, ऐसे ऐसे, एंड यहाँ पे आपने अपने पॉइंट्स को अच्छे से आपने ऐसे करके मसाज करनी है, ठीक है. इसको आपने करना है हर रोज 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को, या फिर आप 10 मिनट इकट्ठे रात को करके आप सो सकते हैं. ये वाली जो टिप है इट्स लाइक अ काइंड ऑफ क्यूटेस्ट चेंज है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में लाया है. वो क्या है कि आई स्टार्टेड यूजिंग क्रंचीज, इसको क्रंचीज कहते हैं, ठीक है. सो आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑर्डर करी थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं, ठीक है. सो मैं इन्हें यूज करती हूँ. मैं रबर बैंड्स को मैंने यूज करना बंद कर दिया है एंड मैं इन्हें यूज करती हूँ अपने बालों को टाई करने के लिए या फिर बन बनाने के लिए, कुछ भी है क्योंकि इसे बन बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है. सो ये देखिए, सो गाइस इसको मैं क्यों यूज करती हूँ क्योंकि गाइस ये आपके बालों को ना बहुत ही अच्छे से होल्ड तो करते हैं बट आपके बालों का ऐसे खींचते नहीं है, जो कि रबर बैंड्स में बहुत बार मेरे साथ होता था कि मैं इतनी अगर टाई भी करती थी अपने बालों को मेरे बाल यहाँ से खींच जाते थे बहुत ही ज्यादा जोर से, ठीक है. सो इससे आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से बंद भी जाते हैं पर आपके जो बाल हैं उनमें ऐसे ऐसे नहीं होते कि आपके बाल खींच रहे हैं या फिर आपका सिर दुखने लग गया इसको लगा के. मेरे साथ नहीं होता. सो गाइस मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एंड मोस्टली बन बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, अब मैं यही यूज करती हूँ. बहुत ही अच्छे प्राइस में मैंने इन सभी को बाय करा है, बहुत ही अच्छे हैं. सो गाइस यू गाइस कैन बाय इट एंड आप इसको यूज करके देखिए, आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा एंड आपको लगेगा कि हाँ यार ये बहुत ही सही चेंज है जो आप अपनी जिंदगी में लेकर आए हो. चेंज है जो कि मैं अपनी लाइफ में लेकर आई थी वो ये है. तो गाइस आप देख सकते हो डिफरेंस, ये है वुडन कॉम्ब एंड ये है प्लास्टिक कॉम्ब. हाँ मेरे पास ये दोनों ही अवेलेबल रहती हैं बिकॉज जब वीडियोस बनानी होती हूँ मैं मोस्टली ये यूज करती हूँ, बट पर्सनली मैं ये यूज करती हूँ. इससे बहुत सही वाला वो तो नहीं होता कि हम इससे हेयर स्टाइल्स बनाए या फिर ये वो, पर हाँ हर रोज डेली यूज के लिए जब मुझे कहीं जाना होता है टैंगल्स रिमूव करने होते बालों में, आई ऑलवेज यूज दिस कॉम्ब टू रिमूव टैंगल्स एंड अपने बालों को जो भी मैंने करना होता है मैं यही यूज करती हूँ मोस्टली. सो गाइस ये है वुडन कॉम्ब. सो गाइस इसके फायदे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे.
कितने ज्यादा फायदे हैं इसके हमारे हेयर के लिए। सो गाइज आप भी ले सकते हैं वुडन कॉम, इट्स नॉट एक्सपेंसिव और समथिंग, ये बहुत ही ज्यादा चीप है। इसका प्राइस भी मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है आपके बालों में एंड आप इसको भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। जीवन जो टिप है ये बहुत ही ज्यादा आसान है फॉलो करनी, पर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते। मैं भी नहीं रखती थी पहले, बट हाँ 6 महीने हो गए मैं ये चीज को फॉलो कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये क्या है कि हमें अपना जो शैम्पू है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए अपने बालों में एंड गाइस उसको हमने पहले डिल्यूट करना चाहिए, उसके अंदर पानी डालना चाहिए एंड देन उसको मिक्स करके फिर अपने बालों में अप्लाई करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा यू नो अपने बालों में आपको फर्क दिखने लगेगा जब आप यू नो धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे ना। आपको 5th टाइम या फिर 6th टाइम आपको महसूस होगा कि आपके जो बाल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हैं पहले से। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है जो कि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। ट्रिमिंग करानी ही चाहिए। सो गाइज अगर आपको खुद नहीं करनी आती देन आप किसी और से करा सकते हो, अपने किसी आंटी से करा सकते हो जिन्हें हेयर का पता है। सो डोंट यूज हीट और कोई ऐसी मैं चीज यूज नहीं करती जिससे कि मेरी लेंथ को कोई प्रॉब्लम हो या फिर मेरे स्प्लिट एंड्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, डोंट हैव स्प्लिट एंड्स नाउ, पहले बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स थे, अब मेरे स्प्लिट एंड्स बिल्कुल भी नहीं है। सो अब मैं इतना नहीं ट्रिमिंग करती हूँ, बट हाँ पहले मैंने करी हुई है, पहले मैंने बहुत ट्रिमिंग करती थी बिकॉज पहले मेरे बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड से लगा लो कि 6 महीने पहले तक बहुत ज्यादा थे, बट अब नहीं बिकॉज लॉकडाउन में मैंने बहुत ज्यादा केयर करी है अपने बालों की। सो गाइज एक और चीज कहना चाहती हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट टिप कह सकते हो जो कि मैंने फॉलो करी है एंड आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज डोंट यूज एनी केमिकल। आपको अच्छा लगता है कि आप अपने बालों का कलर कराएं, आपको हाईलाइट्स करानी अच्छी लगती है कराइए, बट प्लीज डोंट यूज एनीथिंग ऑन योर स्कैल्प। आप अपनी इस एरिया के ऊपर कुछ ऐसा कलर केमिकल ना लगवाएं क्योंकि अगर आपका स्कैल्प में यू नो केमिकल चलेगा या फिर आपकी जो स्कैल्प है वो हेल्दी नहीं रही, आपकी स्कैल्प का पीएच लेवल अनबैलेंस हो गया केमिकल्स की वजह से, देन आपको हेयर फॉल हो सकता है या फिर आपको ऐसी हेयर की प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट अगर आप अपनी लेंथ में कुछ करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, देन आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज इट्स अ लेंथ, जस्ट अ लेंथ, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे कराओगे तो आपके पूरे बालों को फर्क पड़ेगा। सो गाइस इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। लोहड़ी तो हम मना रहे हैं लोहड़ी बाहर, ठीक है। सो यस मैं आपको भी दिखाती हूँ।